क्या हुआ मटा दिए तो। लेकिन वो लोग जानते थे या अगर शीतला दाई के भैरव दाई के मंदिर में या उसके पास में हम दुर्गा मटा दिए तो गोडों का सत्यानाश और हमारा हिंदू का जय जयकार हो गया। ये गोड नहीं जाने हिमाटेल पुत्ता चेस्टोर ओड पुत्तोर ओड पचातुर दिमाग। दोस्तों मैं नेपाल से इधर कन्याकुमारी तक मेरा भ्रमण होता है, इधर आसाम से लेकर बॉम्बे दिल्ली तक के मैं घूमते रहता हूं। 2014 में मैं इंग्लैंड गया, इंग्लैंड में वहां प्रचार हुआ, वहां झंडा लगाया। वो गया कैसा तो अपने महाराष्ट्र का आत्राम जो नागपुर का रहने वाला वहां ड्यूटी करता है, उसके पूरी फैमिली है, वो स्वाभिमानी आदमी है, मेरा शिष्य था। उसने मकान बांधा इंग्लैंड में, उसने बोला कि मैं भाई गोड हूँ, मेरा गोडी धर्म है, चलो मेरे गुरु जी को ले जा करके या मैं अपना सप्तरंगी ध्वज लहराऊंगा। उसके यहाँ छोटा बच्चे से लेकर सब गोडी वर्ड की तोड़ ना अंग्रेजी वर्ड की तोड़। आज भी वो नागपुर में वो आता है, छोटे छोटे बच्चे में उससे फोन करते थे, गोटी गोटी से बात करते थे छोटे छोटे बच्चे, वो इंग्लैंड में रहने के बाद भी। कितना बड़ा स्वाभिमान है उसकी भाषा की। तो भूमक संघ तैयार करने का यही महत्व रहा कि आज कंगाली जी ने मुझे बोला, अरे इनवाती बोले मैं तो आचार्य हूं, मैं साहित्यकार हूं और मैं साहित्य लिखता हूं, मैं गोडी धर्म में पीएचडी किया हूं, गोडी भाषा में पीएचडी किया हूं, लेकिन ये सार मुझसे जमता नहीं, पूजा पाठ का कैसा किया जाता है ये तुझसे जमता है। और मेरे से क्यों जमता था, मेरे घर में बचपन से मैं देखा करता था, मेरे पिताजी भूमका, मेरी माँ भी भूमका, फिर मेरे दादाजी भूमका, आज भी मेरे दादाजी का नाम से सावरा ये गांव बसाया तो इनवातिन के घर में दादाजी का ठाना है, भूमका का ठाना है, वहां पर ठाना है पीरू भूमकाल करके, क्योंकि गांव नहीं बसता था उस जमाने में, वहां बसाते थे तो वह सांप निकलते थे, वो दूसरी तरफ तो वो कीड़े मकोड़े निकलना, तो कभी बच्चे मर जाना, तो मेरे दादाजी ने बीरू भूमका ने वो गांव बसाया। तो आज उसका गाना होता है वहाँ लाठी पूजा में और उसका ये होता है। तो दादाजी भी भूमका, मेरे पिताजी भी भूमका, मेरी दादी भी भूमका का काम, और इधर देखो तो मेरे नाना जी भी भूमका, मेरी नानी भी भूमका, कुमरे परिवार के नाना नानी, और मैं इनवाती हूँ। तो उनके पास जब बैठता था, जब भी अपने होली का पेड़ पूजे के आना, शिवरात्रि का पेड़ पूजे के आना, भाजी नवोती दाना, कोया नवोती दाना, समझता है ना मैं बोलता हूँ, सबको समझ रहा है ना, हाँ, तो उनके पास मैं बैठ जाता था। वो क्या बोलता था, वह मंत्र में मोट पूजा रख करके इधर से उजवे साइड से डावा साइड से मोट पूजा रखता था। वो बोलता था रब रबा भाई सागर कोयले कचार कर तर पाकी पारी कुप्पा लिंगो बाबा नीत भीड़ी ते वासी उदिना कूर कम का इतना सबको ना दान छाना। 14 भुवन 14 मंडी नौ राजाल महाराजाल शंभु मूलान संगवायना सतीन संगवायना हेदीन संगवायना बेलन संगवायना तुर्जन संगवायना गंगन संगवायना अर वरु शंभु अर वरु शंभु सभी संबोधित भीड़ देवासी उदिना कूर कम का ये दिना सबको नादान सहना उन्मिन्नत क्या करो हर कोटा पुर कोटा पुर कोटा रायो और कूर कम का तरी क्या दुर गुनगा सिंधाली बिदाली खजोरी उमा सुलझा ये कोली फोल शिव रायो निर्वाण और मर्री कोया पुण्यमता सीतो निसरी पहादी पुंगार कुपार जय जय जोहार जोहार जय सेवा सेवा के जा मिन्ने तमावा मिन्ने तमावा इमा के जा फड़ा पेनता सेवा से। तो ये मंत्र वहां बोलता था तो मुझे पाठ हो गए थे ये मंत्र।
पूरे पाठ हो गए थे, मेरे पिताजी ऐसी पूजा करते, मेरे दादाजी ऐसी पूजा करती है, मंत्र बोलते, लेकिन उसका अर्थ मुझे नहीं मालूम, ना पिताजी को मालूम ना दादाजी को मालूम, तेना घर तक बती कजाने बाबन और गुरु का रिश्तो रिंजे को ननावड़ की तो राम रामा भैंसागढ़ कोयले कचारगढ़ इधर ही देखो हुड़तो पर ओड़ी लोड़ वाके मंत्र वार्तो पर ओड़ बेगा बंदा है चीज इल मालूम मत्ता हर कोटा मुर कोटा पुर कोटा राय और गोर कम का तरीके आंदर गुनगा सिताली बिंदाली खजोली उमा सुलझा यर कोली पुल शेव राय और हिरबान और भरी कोया पुनेमता सीधो ने सर्री पहाड़ी पुंगा और कुपार जय जय जोहार जोहार जय सेवा सेवा तेना गर्ता हिले मालूम बोल कुल पे ते गंगाले साहेब जब जना पूछे की तब साहेब इत मंत्र है इत मंत्र ना अर्थ बताया था तो गंगाले साहेब बड़ा पढ़े लिखे माते दादाजी व्यक्त व्यक्तुर सबसे महत्व पढ़ाए तुम सीता पाएंगे सबसे ज्यादा महत्व पढ़ाए तुम सीता पाएंगे और गोडी धर्म ते पीएचडी की तुर कंगले साहेब आने अदेना अर्थ कर से हो व्यक्तुर हर कोटा मुर कोटा पुर कोटा रार मंजे मोहन जोदाड़ो हड़प्पा नगरी तुर मन्ने वाले हर कोटा मुर कोटा पुर कोटा रायोर सिंधाली बिंदाली कजोली उमा सुलझा येर कोली गंगा सिंधु सरस्वती पूरो ढोटांग नियांग येर क्या ना ठिकान कांदो मोहन जोदाड़ो हड़प्पा तो इमा नगरी तोर मन्ने वाले फुलशिव राजा नोर इमा मर्री हिरबाग निया दाई कोया पुनेम ता सीतु निमा सर्री मजे गोंडी धर्म ता संस्थापक भोरादूर गोडी धर्म तो संस्थापक भोरादूर मालूम है बोल इधर के बाद पुनेम के स्टेट बचोले जानल पुनेम चालू है कोया पुनेम के संस्थापक का नाम नहीं बताए इनको ओ पुनेम भूमका जी ओ भूमका जी कोया पुनेम के संस्थापक का नाम नहीं बताया बताए माँ इमार इनके केंजी को निकल छोटे किस्से आते हैं दादाजी चो अच्छा बातें व्यस्तुर इधर के केंज दिन नाड़ी छोटे किस्से की ये भी ते अपनों ना भला आयो वाले लड़ के नारी ताकत इसको लेके चलो आज मुसलमान के छोटे से बच्चे से आप पूछोगे ना मुस्लिम धर्म के संस्थापक कौन है तो छोटा सा बच्चा बता देगा पैगंबर है कौन क्या है पैगंबर बौद्ध के बच्चे को पूछोगे हमारे यहाँ बौद्ध है बौद्ध धर्म महार महाराज जिसको बोलते हैं बौद्ध धर्म स्वीकार हिंदू धर्म को त्याग दिए उन्होंने बौद्ध धर्म के बच्चे को पूछोगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है तो गौतम बुद्ध बोल देंगे लेकिन गोंडों के बच्चे को पूछना कि गोंडी धर्म के संस्थापक कौन है नहीं बता पाते मैं बता रहा हूँ पांडे पारी कुपार लिंगो बोलते आएगा कुपार लिंगो कौन है बोलो कुपार लिंगो अब बताते आना चाहिए किसी ने प्रश्न पूछ लिया कि तुम गोडी धर्म बोलते हो कोया पुणे बोलते हो तो उसके संस्थापक कौन है कुपार लिंगो है सिंह मोर धारण किया वाला और उसकी मूर्ति नेपाल की राजधानी काठमांडू नेपाल कहाँ पर है हिमालय पर्वत पर नेपाल की राजधानी काठमांडू में बहुत बड़ी मूर्ति है मंदिर है और वहाँ पुजारी कौन है गोड को भगा दिया और ब्राह्मण बैठ गया है वहाँ भी याद रहना चाहिए कोई ने पूछ लिया मैं भी अगले बार कभी आया कार्यक्रम में पूछूंगा कोई अपने कि संस्थापक या तो गोडी धर्म के संस्थापक कौन है तो पांडी पारी कुपार लिंगो ये बताना चाहिए तो ये कंगाले जी ने ये सारे चीजों का अर्थ बताया और कंगाले जी ने कोयले कचारगढ़ का जो संशोधन किया हर कोटा ये रब रमा भैंसागढ़ कोयले कचारगढ़ तो पांडी पारी कुपार मंत्र में आता है मैं इतना बोलता तो मेरे एरिया के कितने भी भूमका ये मंत्र बोलते हैं आज भी उनको नहीं मालूम ये कहाँ पर है लेकिन पुराना भी भूमका यही मंत्र बोल करके मोट पूजा रखता है तो इसलिए
2008 में कंगाली जी के कहने पे कंगाली जी 3 साल मेरे पीछे लगे। अरे तू अकेला पूजा पाठ करता है, बोले शादी ब्याह लगाता है, बोले तू मर जाएगा, बोले तो गोंडी धर्म का प्रचारक कोई नहीं मिलेगा, इसीलिए बोले तू भूमक तैयार कर। मैं साहित्यकार हूँ, मेरे मरने के बाद बहुत से लोग साहित्यकार बन जाएंगे, बहुत से लोग किताब लिखेंगे, लेकिन भूमिका बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसीलिए भूमिका बना। तो 3 साल मेरे पीछे लगे, मैं सर्विस करता था जंगल कामगार ऑफिस में, सूट बूट पे रहता था, फुल पैंट डालता था, शर्टिंग करता था और आलीशान रहता था मैं। और इधर पूजा का समय आ गया, मुझे धोती बंगाली पहन करके पीला दुपट्टा रख करके पूजा में जाता था, शादी लगाने जाता था। कोई मुझे सिखाया था नहीं था, सिखाने वाले मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता, इन्होंने ये गुण सिखाए थे, ये मेरे गुरु और मार्गदर्शन करने वाले मेरे कंगाली साहब। और बाकी तो मैंने शिष्य बहुत कुछ बनाया हूँ। नव स्टेट पे भूमक संघ चल रहा, कितने स्टेट पे, नव स्टेट पे भूमक संघ काम कर रहा है, आसाम से लेकर बंगाल, इधर बिहार, झारखंड, रांची, उत्तर प्रदेश, बॉम्बे, बॉम्बे भी एक अलग स्टेट है ना, वहाँ का मुख्यमंत्री अलग बनता है, उत्तर प्रदेश MP, इधर कर्नाटक, उधर आंध्र प्रदेश, इधर तुम्हारा गुजरात, ये सब जगह अभी भूमिका बन करके गोंडी धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये दीक्षा लिए, दीक्षा लेने पड़ता है, फार्म भरने पड़ता है, रजिस्ट्रेशन संगठन है, ये भूमक संघ रजिस्ट्रेशन संगठन है। तो इस प्रकार 2008 में भूमक संघ की स्थापना किया, क्यों, इसका एक उद्देश्य है गोंडी धर्म का प्रचार होना चाहिए। सभी धर्म के प्रचारक है, हिंदू धर्म के प्रचारक पंडित है, मुस्लिम धर्म के प्रचारक काजी है, क्रिश्चियन धर्म के प्रचारक फादर है, सब धर्म के प्रचारक, बौद्ध धर्म के प्रचारक अपना भंते है, भिक्षुक है, सब धर्म के प्रचारक है, लेकिन सब धर्म के प्रचारक पढ़े लिखे और ज्ञानी, संविधान पढ़ने वाले, सबका नॉलेज रखने वाले, लेकिन गोंडी धर्म के प्रचारक ऐसे थे कि जो पढ़ा लिखा नहीं लेकिन अपना धर्म को लेके चलता था, इसलिए गोंडी धर्म डूब रहा। तो हर इसमें प्रचारक है, और मंत्र गोंडी में इसलिए है, सभी धर्म के देवी देवता अपने अपनी भाषा पहचानते हैं। जब पंडित ब्राह्मण आएगा पूजा करने तो संस्कृत में पूजा करेगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः सुवर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, वो संस्कृत भाषा बोलेगा। मुसलमान का जो काजी है वो उर्दू भाषा में पूजा करता है, क्योंकि उसके देवी देवता उर्दू भाषा पहचानते हैं। क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन जो उसका यीशु मसीह का पूजा करेगा तो वो अंग्रेजी में पूजा करता है, वो विदेशी धर्म है, पूरे धर्म विदेशी है, आर्य देश में आगमन हुआ जिसको संस्कृत भाषा में प्रचार कर रहा है। ये देश गोंडों का है, ये देश मूल निवासियों का है, एससी एसटी ओबीसी बोलते वो सब गोंडों के संतान है, गोंडों से निर्माण हुए लोग है, और केवल आर्य लोग, ब्राह्मण बनिया ये विदेशी है। 10,000 साल पहले ये गोंडी धर्म बना, 5,000 साल बाद में ये लोगों का आगमन हुआ इस देश में, छल कपट से इन लोगों ने तुमको लूटा है, आज भी छल कपट चलता है। उनका कहना वही है, ये देश का मूल निवासी, ये देश के गोंड को ईमानदारी से आप जीत नहीं पाओगे, इनके लिए षड्यंत्र रचना पड़ेगा। नवयुग समझते होंगे, नौजवान समझते होंगे, षड्यंत्र कैसा रचते हैं लोग, जहाँ जहाँ मंदिर आए रहे इनके मीटिंग होते हैं,
वहाँ अपना हिंदू धर्म की आरती करने के लिए जाएंगे। जहाँ जहाँ इनके ठाने हैं रे, वहाँ अपनी देवी देवता को बैठा लेंगे। ऐसा षड्यंत्र रचते हैं लोग। और तुम्हारे कोई मीटिंग नहीं होते, तुम किसी के मंदिर को नहीं कर सकते। तुम बहुत भोले लोग हो, बहुत अच्छे लोग हो, और तो बहुत समझदार लोग, गुण लोग, इसी का फायदा इन लोगों ने उठाया। लेकिन स्थिति में भोलापन करना भूल जाओ, संग दिखाए बोलो उनसे, क्योंकि मेरी माँ और किसी की भी माँ आठ हाथ वाली बच्ची को जन्म नहीं दी, देती है क्या? सही माँ